तो रोज ही समस्या है, यहाँ की समस्या की मत हो आप। कई दिनों से नहीं, 3 साल से है जब से ये ट्यूबवेल हमारा बना है टंकी, तब से ही हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी आता है हफ्ते भर के लिए देते हैं, उसके बाद फिर लाइन बंद कर देते हैं। पानी बिल्कुल नहीं है मैडम जी, यहाँ कम पानी से बहुत परेशान है। दुदली गांव के कैमरी बड़कली में करोड़ों की लागत से बना ओवरहेड टैंक सफेद हाथी बना हुआ है, यहाँ पे लेकर खड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ के क्षेत्रवासी जो थे कितने परेशान हैं। लगातार यह समस्या सामने आ रही है कि यहाँ पे पानी की एक बूंद नहीं है, लेकिन बिजली का बिल जो है थमा के चले जा रहे हैं। कई कई घरों में जो फ्री कनेक्शन है, लेकिन फ्री कनेक्शन होने के बावजूद बिल आ रहे हैं और उन्हें भरना उनकी मजबूरी है। नहीं तो जो पानी मुश्किल से उनके घर पहुँच भी रहा है, वो 2 बूंद भी वहाँ पहुँचने नहीं वाली। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा तो गया है कि उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून और सफाई की तिथि भी यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह महज सिर्फ एक पुतले की तरह खड़ा कर दिया है, जिसके अभी तक जो है कोई काम यह नहीं आया। पानी एक आध बार मुश्किल से यहाँ से आया होगा, उसके बाद ये ऐसे का ऐसे ही खड़ा है। ऐसे में बात यह सामने आती है कि अगर देखा जाए जब राजधानी के गाँव पर ही ऐसे हाल हैं, तो दूर दराज पहाड़ों की क्या बात होगी। वहाँ पे कैसे ऐसी मूलभूत सुविधाएं पहुँचेंगी जब राजधानी के गाँव के ही ऐसे हाल हैं। यहाँ पर है क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो पानी की तो यहाँ पर बहुत समस्या है, कम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है खाना चूल्हे में रह जाता है, पानी नहीं आता है। ऐसी समस्या है यहाँ पर, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अधिक। एक समय यहाँ पर हमने मीटिंग की थी तो बोले यहाँ पर टैंक बनाएंगे, पता नहीं वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ तो रोज ही समस्या है, यहाँ की समस्या की मत कहो आप। कभी कभी तो यहाँ एक एक हफ्ता पानी नहीं आता, एक एक हफ्ता। उसमें ज़्यादा परेशानी होती है, हैडपम्प नहीं है यहाँ पर, एक हफ्ता में है ये, इसमें भी कभी पानी आता है कभी चले जाता है। उधर वहाँ से लाना पड़ता है नौका से, वहाँ से साफ पानी आता है इधर हैंडपम्प से? साफ तो आता है कभी, हैडपम्प में भी तो रोज़ नहीं आता, ये तो है चले जाता है कभी, फिर पानी भरो उस पर फिर खींचो, कभी निकलता कभी नहीं निकलता, ऐसा ही है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ मैडम। कई दिनों से नहीं, 3 साल से है जब से ये ट्यूबवेल हमारा बना है टंकी, तब से ही हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी आता है हफ्ते भर के लिए देते हैं, उसके बाद फिर लाइन बंद कर देते हैं। थोड़ा आता है फिर लाइन बंद कर देते हैं। और गर्मियों में जो जो जिन्होंने बोरिंग करा रखी है 12-12 फीट में, उनका पानी भी सूख जाता है, तो हम लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कितनी बार भी जो लाइन मैन है हम उनको बोलते हैं कि हमारी समस्या को दूर करो। 2020 में इसका बजट आया था कि टंकी बनेगी, दोबारा से ट्यूबवेल होगा, लेकिन वो 20 खत्म होकर भी अब 21 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका काम अभी तक शुरू नहीं हो रखा है। बिजली का बिल तो मैम यहाँ हर भाई हमारा तो वैसे भी 2 बार बढ़ के आ चुका है, लेकिन पानी नहीं आता है, पानी की ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर। हमारा तो अपना निजी हैंडपम्प भी है, गर्मियों में वो भी सूख जाता है, वो भी बहुत दिक्कत होती है। जिनके समरसेविल है उनके यहाँ से मांगते हैं, वो भी देने से थोड़ा मना करते हैं। अब क्या करें मैडम, यही दिक्कत है, सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है यहाँ पर। तो मैडम बोल रहे थे कि पानी की हम यहाँ ट्यूबवेल लगाएंगे और काम शुरू करेंगे बरसात के बाद। अब बरसात भी चली गई है तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हाँ पानी बिल्कुल नहीं है मैडम जी, यहाँ बिल्कुल हम पानी से बहुत परेशान है। पानी आ जाएंगे तो सारी सुविधा दूर हो जाएगी, मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी भाई। इतनी निवेदन आपसे, पानी की बहुत समस्या हो रही है। अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत? बस कुछ वहाँ से जवाब नहीं मिलता, बिल तो हम देते ही हैं, कभी बढ़ का आ जाता बिल तो देना ही पड़ता हो तो बिल तो। बस पानी की मुसीबत है यहाँ सबको, यहाँ पूरे गांव में पानी की बहुत परेशानी है। यहाँ तो रोज ही समस्या है, यहाँ की समस्या की मत कहो। कई दिनों से नहीं, 3 साल से है जब से ये ट्यूबवेल हमारा बना है टंकी, तब से ही हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। पानी आता है हफ्ते भर के लिए देते हैं, उसके बाद फिर लाइन बंद कर देते हैं। हाँ पानी बिल्कुल नहीं है मैडम जी, यहाँ कम पानी से बहुत परेशान है।